फाइनल गए, हम आ गए हैं ढाबे पे। आपको मैं ढाबा दिखाती हूँ, ये बच्चों के लिए सरप्राइज था तो मैं आपको ढाबा दिखाती हूँ। अभी हम लोगों ने एंट्री नहीं करी है, अभी हम बाहर हैं, आरिफ गाड़ी लगाने गए हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, ये अल बुराक ढाबा है। हम एंट्री करने वाले हैं अभी अंदर। अभी तो पहली बार आए, फर्स्ट टाइम आए, तो अच्छा सुना है इसका, खाना अच्छा है, सर्विस अच्छी है। देखते हैं बाकी अंदर जाके कैसा रहता है। हमने गेट के अंदर एंट्री कर दी, ये एंट्री गेट ही इनका। नजीक से क्या नाम है, नाम गाइस, ये यहाँ का हम ऊपर का भी। यहाँ की सर्विस अच्छी है, खाना अच्छा है, एक बार ज़रूर यहाँ विज़िट करिए। ये फर्स्ट फ्लोर है इसका, ऊपर का है। ये ट्री है, ट्री के आजू बाजू इनने टेबल्स लगा रखी हैं। लुक बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। डेकोरेशन बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ का। खाना देखते हैं कैसा है, चलिए। तो हमने ये बुक किया था टेबल, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बच्चे बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे देख के बच्चों को खेलने की भी चीज़ें हैं, जहाँ के एली और लड्डू खेल सकती, मैं भी खेल सकती हूँ। सामने बहुत अच्छा व्यू भी दिख रहा है, तो मिलते आपसे आगे। लड्डू, क्या मुझे बताओगे यहाँ का आपको कैसा लग रहा है आके? मेरे ख्याल से लड्डू भी किसी चीज़ में बिजी है। लड्डू से हाय, लड्डू से बाय। मन नहीं है। क्या दिखाने के लिए देखा जाए, यहाँ पे तो बहुत सारे, ये या तो हनी बताएगी या फिर मम्मा लीला। मैं बाद में आपको नज़दीक से भी दिखाऊंगी गाइस, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ओ ऊपर भी है, देखिए ऊपर भी है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम था कि ऊपर है। ये रात का टाइम है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बाहर यहाँ बारिश हो रही है, रात का टाइम है, मौसम बहुत अच्छा है। ये मेरे हस्बैंड को अंदर बाहर होने का मज़ा आ रहा है, उनको बारिश में घूमने का। और हमारा लड्डू जो है ना, वो पता नहीं किस सोच पे है, आज वो शांत है, लगता है नींद से उठे हैं ना, रास्ते में सो गए थे तो अभी नींद से उठे हैं। लड्डू गाइस, ये अभी कुछ नहीं है, थोड़े टाइम बाद जब बाहर जाएंगे ना, इधर उधर जाएंगे, मम्मा डैडी को भगाएगी, और कुछ नहीं। माऊ से हाय, हाय हाय। ये इनको अपनी बहन को प्यार आ गया है, अरे बाप रे, अरे बाप रे, इतना प्यार आ गया, इतना प्यार आ गया। तो ये टेबल पे चढ़ चुकी है और अब ये मेन्यू देख रही है,
ये हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जो बंदी है ना, वो अब बताएंगी मेन्यू देखकर कि हमें क्या ऑर्डर करना चाहिए। मैंने कहा था ना ये तब तक कटा, अभी ऐसे ही नॉर्मल चालू होगी, आगे देखते इनको अपने डेडा चाहिए। डेडा, ये डेडा की बिना नहीं रहती, ये मम्मा बेटी नहीं है, ये डेडा की बेटी है, ये सिर्फ इनको डेडा ही चाहिए। बुलाओ अगेन, ये मेरी बिल्कुल नहीं सुनती फ्रेंड, ये सिर्फ और सिर्फ अपने डेडा की सुनती है, इनको इनके डेडा नहीं दिखे तो इनका चालू हो गया डेडा। ये डेडा ओ फोटो खींच रहे, नहीं 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 चलो फोटो करने दो, वीडियो निकाल दे, फोटो नहीं खींच रहे। बस एक एक पीस डालो, इधर एक और शुक्रिया। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? अरबी टिक्का सर। अरबी टिक्का, अरबी टिक्का, अरबी टिक्का। चल चल, दिस इज वेरी यम्मी। कैसा टेस्ट है? इसमें भर भर कर चीज़ और क्रीम है जो बच्चों को बहुत पसंद है, तब मैं भी खाना शुरू करती हूँ। प्लेट लग चुकी है, अभी हम टेस्ट करके बताते हैं। अच्छा है? हाँ, इन्होंने मुझे इतना परेशान किया है ना, मुझे खाना नहीं खाने दिया, इतना परेशान किया। और वीडियो में आते हैं ना ये इतनी सीधी हो जाती है जैसे इनने कुछ किया ही नहीं। देखिए देखिए देखिए, इतने सीधे बच्चे बन जाते हैं, एकदम क्यूट वाले बेबी बन जाते हैं ना। और जब मैं खाना खा रही थी तब मुझे इतना परेशान कर रही थी। तो गाइस, हमारा खाना ऑलमोस्ट हो चुका था, हमने खाना खा लिया, बस अभी आरिफ का होना बाकी है। मीठे में कुछ बोलूं? और जब खाना खाने के बाद जब ये कटोरी सामने आती है हाथ धोने के लिए, तो गाइस ऐसी फीलिंग आती है जैसे हम राजा महाराजाओं वाले हैं। नहीं, ऐसा लगता है इस कदम को बिल चुकाना है। हमें उठ के कहीं नहीं जाना, हमें हाथ धोने के लिए भी नहीं जाना है। और इसमें नींबू डालो और हाथ धो लो और फिर बिल चुकाओ। और बिल चुकाने का काम तो भाई हस्बैंड लोग का होता है, हमारा सिर्फ खाना खाने का काम है। बिल्कुल। बस अभी हम थोड़ी देर के बाद बाहर जाएंगे और आपको दिखाते हैं बाहर का माहौल। ये बाहर बच्चों के लिए है, थोड़ा खेलने के लिए। क्या चाहिए?